हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदी के साहित्यकार, कवि, लेखक और गीतकार गोपाल दास नीरज का जन्म आज ही के दिन इटावा के कुरावली गांव में हुआ था। जन्म के बाद ही उनका जीवन संघर्ष शुरू हो गया था। गोपाल दास जब 6 साल के थे तो उनके पिता ब्रजकिशोर की मृत्यु हो गई। परिवार की जिम्मेदारी गोपाल दास के कंधों पर आ गई। शुरू में उन्होंने सड़कों पर सामान बेचा, लेकिन इससे गुजारा नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ गोपाल दास ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई खत्म होते ही गोपाल दास को मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता की नौकरी मिली, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नीरज जी को उनके जयंती पर प्रदेश के मशहूर कवियों ने इस खास अंदाज में याद किया है। देखिए, नीरज जी के साथ मेरा बहुत जीवन कटा है और नीरज जी का इतिहास अगर साहित्य में लिखा जा रहा है तो मैं उसमें दर्ज हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। नीरज जी की जो पहली विदेश यात्रा अमेरिका की थी उसमें दो ही कवि आमंत्रित थे 2004 में, गीतकार नीरज जी और हास्य व्यंग कवि सर्वेश अस्थाना। तो मुझे लगता है कि नीरज जी के साथ जो मैंने लगभग 70-80 दिन वहाँ काटे थे तो नीरज जी को बहुत गहराई से समझने का अवसर प्राप्त हुआ। नीरज जी एक बहुत प्रखर कवि तो हैं ही, थे ही, और वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे और वो दर्शन के इतने बड़े ज्ञाता थे कि आप पूछिए मत कुछ। उन्होंने अध्यात्म और दर्शन पर दोहे में किताब लिखी, ज्योतिष पर उन्होंने दोहे में किताब लिखी, और उनके फिल्मी गीतों का तो क्या कहना, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, ऐ भाई जरा देख के चलो, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हमारे हिंदी गीत कुनबे के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो उनका एक छोटा सा गीत, मैं गीत की एक मुखला और एक अंतरा सुनाता हूँ आपको। चुप चुप अश्रु बहाने वालो, मोती व्यर्थ लुटाने वालो, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालो, मोती व्यर्थ लुटाने वालो। तो नीरज जी की इन यादों के साथ उनको विनम्र प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम श्रद्धांजलि देता हूँ आज के शुभ और पावन दिन पर। मुंबई में नीरज जी ने एक कवि सम्मेलन में अपनी कुछ प्रस्तुतियां दी थी, जिसके बाद उनके किस्मत ने करवट ली। नीरज जी की पंक्तियां सुन संगीतकार रोशनलाल नागरथ ने अपनी फिल्म नई उम्र की नई फसल में गीत लिखने का उन्हें मौका दिया। इस फिल्म के लिए नीरज जी कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे गाकर रातों रात लोकप्रिय हो गए। नीरज जी की जयंती पर क्या कह रहे हैं मशहूर कवि राजेंद्र राजन, आप भी सुनिए। नीरज जैसे महापुरुष महाकवि सदियों में कहीं पैदा होते हैं, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इसे नीरज जैसा महाकवि मिला। नीरज जी की एक कविता मुझे बहुत बचपन में याद थी, उस कविता का बड़ा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। मैं कक्षा 6 या 7 का विद्यार्थी था तो उनकी कविता अक्सर गाया करता था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूम प्यासी, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही भले ही दिवाली यहाँ रो जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धारा पर कहीं रह न जाए। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। फिल्म पहचान के लिए नीरज जी ने यह गीत लिखा था, जिसने उन्हें संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान दी। नीरज जी ने मेरा नाम जोकर, शर्मीली, पहचान, चंदा और बिजली, तेरे मेरे सपने के साथ कई सुपरहिट फिल्मों के गाने गाए। कुछ कवियों का कहना है कि गोपाल दास के साहित्य को पढ़कर उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं 76 से मंच पे रहा हूँ, उसमें सैकड़ों मंच मैंने उनके साथ पढ़े हैं और लंबी लंबी यात्राएं भी रही, और उनके अंदर देखा कि महान बनने के लिए भी कम कड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसमें अपने अंदर संस्कार कुछ उनको विकसित करना पड़ता है। नीरज जी से दो तीन चार बार मेरी मुलाकात हुई है और वो एक ऋषि थे, जैसे हमारे यहाँ कवियों की एक परंपरा थी जिसमें संत कवि हुआ करते थे, संत और कवि
कवि और संत दोनों में मतलब फर्क नहीं होता था। जो संत होते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास, ये सब संत थे, कवि थे। बाद की जो परंपरा आई वैद्य और कवि, कविराज, वैद्यराज, कविराज, तो वो दोनों, और नीरज जी में सब कुछ था। वो वैद्यराज भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, और कवि भी थे, और संत भी थे। तो सारी जो खूबियाँ थी नीरज जी में सिमट के आई थी। उनका गीत जो सारी दुनिया गाती है वो मुझे भी पसंद है। सपन झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार दे। इस गीत में देखिए दर्शन भी है, मोहब्बत भी है, प्रेम भी है, और सारी मतलब जो स्थितियां हैं उनको कैसे संजोया है कि पान नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन गए छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते। 5 वर्ष में गोपाल दास ने 130 गाने लिखे। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें यश भारती पुरस्कार से नवाजा। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले भारत, कभी तो कभी बिना सामान चले, राम कृष्ण हरि, इस पर मुझे मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। जब मेरी पिक्चर शर्मिली सिल्वर जुबली करी तब मैं भाग्या, क्यों, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था वो एक एक करके चले गए। सबसे पहले रोशन ने मेरे गीत बनाए, नई उम्र की नई फसल में, सब हिट गीत हुए थे। कारवां गुजर गया तब को बना हुआ, वो उनकी मृत्यु हो गई। फिर शंकर जयकिशन के साथ मैंने काम किया था, राज कपूर के साथ, जयकिशन की डेथ हो गई, वो गर्भ टूट गया। फिर एस डी वर्मा के साथ काम किया, एस डी वर्मा जैसी भाषा मेरी ली है वैसे कोई नहीं ले पा, इतना मधुर तेरा मेरा, मधुर शब्द संस्कृत का है, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज। तो अब ये जो गीतकार थे, जो संगीतकार थे बड़े बड़े, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, इकबाल कुरैशी, मैंने जिन लोगों के साथ लिखा सब चले गए ऊपर। मैंने कहा मेरी शक की मर्जी, अपन भी चल। गोपाल जी वह कवि थे जो आज भी अंधेरे में दिए की लौ के समान है, और उनकी रचनाएं तमाम कवियों को ऊर्जा से भर देती हैं।